हेलो सेवेंथ क्लास, आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट से चल रही है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला जो हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिराइव किया था वो क्या था? समय गुणा चाल। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों केसेस में दूरी निकालते हैं। पहला केस हमें क्या दिया हुआ है कि चाल हमें दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड टाइम हमें दिया हुआ है 15 मिनट। तो अब आपको ये पता है कि 15 मिनट कितने घंटे के बराबर होते हैं? अगर हम देखें, एक मिनट बराबर होता है कितने घंटे के? 1/60 घंटा। तो 15 मिनट कितने के बराबर हो गए? 15/60 आवर्स घंटा। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे समय से। समय हमारे पास कितना है? 15/60। तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं, 15 × 4 = 60 और ये आ गया 10। अब इसकी यूनिट क्या आई? आपने इसको घंटे में बदल लिया था और चाल आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो अब हमारे पास दूरी आ गई 10 किलोमीटर। पर ये हमने सिर्फ पहले केस में निकाली है। अब हमें दूसरे केस में देखना है। दूसरे केस में हमारे पास स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम हमारे पास 15 मिनट है, तो 15/60 ये आ गया 15 किलोमीटर। पहले केस में हमने दूरी क्या निकाली थी? 10 किलोमीटर, और दूसरे केस में हमारे पास कितनी दूरी आ गई? 15 किलोमीटर। This means total distance covered is equal to 25 kilometers. अब देखिए, तो यह ऑप्शन हमारा सही है। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।